हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ, जिसने यूट्यूब चैनल के अंदर काम कर रही है या फिर नई नई यूट्यूब चैनल के अंदर काम करने के लिए आ चुका हो, ठीक है, तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि अभी यूट्यूब का जो ऐप है, उस यूट्यूब के ऐप के अंदर बहुत सारे न्यू अपडेट आ चुका है। और आपको उस यूट्यूब के ऐप को अपडेट करने के बाद आप लोग के यहाँ पर बहुत सारे न्यू फीचर देखने के मिल रहा है। लेकिन उस यूट्यूब के ऐप को अपडेट करने के बाद अभी आप लोग एक प्रॉब्लम देखने मिल रहा है, और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो यूट्यूब चैनल स्विच नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, एक जीमेल आईडी से आप लोग का दो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपका जो चैनल है वो चैनल भी ढूंढ नहीं पा रहे हो, और आपका जो दूसरा चैनल है वो भी यहाँ पर स्विच नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आपने उस यूट्यूब का ऐप के अंदर जो आपका यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को फाइंड करना है, उसके बाद आपका जो दूसरा यूट्यूब चैनल है उस दूसरा यूट्यूब चैनल को किस तरीके से स्विच करना है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो मैं चले वीडियो को शुरू करते हैं। आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर, एंड मोबाइल फोन के स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोग ओपन करना पड़ेगा यूट्यूब के ऐप को। अगर आप उस YouTube के ऐप को पहले से अपडेट नहीं किया हो तो सिंपली प्ले स्टोर ओपन करके उस ऐप को सबसे पहले अपडेट कर लीजिए, ठीक है। एंड YouTube के ऐप को अपडेट करने के बाद अभी आप लोगों का नीचे की तरफ आप लोग को एक देखने को मिल जाएगा ऑप्शन, देखिए आपका YouTube चैनल का लोगो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के यहाँ पर मार्क करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली मैं आप लोग नीचे मार्क करके दिखा देता हूँ, यूट्यूब चैनल का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं। यूट्यूब के ऐप को अपडेट करने के बाद आपका जो चैनल है वो नीचे की तरफ आ जाता है। अब इस लोगो के ऊपर सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना है, एंड इस लोगो के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोगों के सामने टॉप के अंदर एक स्विच अकाउंट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन, ठीक है, उसी ऑप्शन के क्लिक करके आप दूसरा यूट्यूब चैनल को यहाँ पर स्विच कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं। सिंपली स्विच अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी आपका उस जीमेल आईडी के अंदर, ठीक है, आपका गूगल अकाउंट के अंदर जिस तरह यूट्यूब चैनल को क्रिएट करके रखा हो, ठीक है, उसका सारा जो लिस्ट है वो अभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक साउंड, ठीक है, जो टेक साउंड चैनल है वो यहाँ पर आ चुका है, और सेम एबिलिटी के अंदर वो सारे के सारे जो यूट्यूब चैनल है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट करके रखा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर देख सकते हैं वो लोगों भी आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने सेम जीमेल आईडी के अंदर जितने सारे यूट्यूब चैनल क्रिएट करके रखा हो उसको स्विच कर सकते हैं।